तुगर रहता जिंदाबाद 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 राजपूत सभा जिंदाबाद जिंदाबाद बिहार राजपूत सभा जिंदाबाद जिंदाबाद देखिए कि आप सब जानते हैं कि 2-5 दिनों से जो मसला चल रहा है सरो टोल पोस्ट का, वही को लेकर आज हमारे जो साथी हैं उनको लेके जो कल रात को 11:30-12 बजे रातों रात सांबा जेल से शिफ्ट कर कठुआ जेल में लाया गया। तो हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है कि हम कठुआ के रहने वाले हैं, हमारे लिए पूरे समाज के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं टोल पोस्ट की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 60 किलोमीटर के अंदर टोल नहीं होना चाहिए, ये तो 60 किलोमीटर के अंदर टोल है। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ कि सर हमारे साथियों को जल्दी से क्या किया जाए, अगर हमारे साथी रहा होंगे हम इसी तरह 20 मिली जो है वो हमारा कठुआ में चलता रहेगा, जब तक इनके मुकदमे जो कैंसिल नहीं होंगे, जो भी इनपे FIR लगी है, जो भी इनपे पर्चा लगा है, जो भी इनपे दायरे लगे हैं उनको कैंसिल किया जाए और इनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अगर इनको रिहा नहीं किया तो आने वाले दिनों में सभा कल रात की इस डिस्ट्रिक्ट जेल में उनको बंद कर दिया गया है। तो आज युवा राजपूत सभा कठुआ के विंग के द्वारा ये प्रदर्शन था। मैं समस्त मीडिया बंदियों के माध्यम से कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को ये सचेत करना चाहता हूँ कि अगर युवा राजसभा के उन लोगों को जो इन्होंने डिटेन किए हुए हैं उनको अगर रिहा नहीं किया गया, जो धाराएं उन पर लगाई गई है वो अगर इन्होंने नहीं हटाई, आने वाले टाइम में ये जो प्रदर्शन है ये कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ साथ मैं सचेत करना चाहूंगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि खाली प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना रोष प्रकट न करें, रोड पर आए, रोड पर आकर अपना रोष प्रकट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चुकाएं कि वो जो युवा राजपूत सभा के लोग जो रोड टोल पर जगह बैठे थे उन्होंने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है। आपने धारा 144 लगाकर उन लोगों को वहां से डिटेन करके सांबा में बंद किया, जब आपको अपने ही इंतजामिया पे शक होने लगा सांबा के लोगों से, तो आपने सोचा कि हमने इनको कठुआ में शिफ्ट करना है ताकि कठुआ के लोग इकट्ठे नहीं हो, मगर ये आपका बहम है, जैसे कठुआ के लोग इकट्ठे होंगे तो बम बम बोले की तरह आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इसी के माध्यम से मैं अपने वाणी के माध्यम से मेरे साथ ये सभी युवा वर्ग खड़ा है, हमारे भाई बबू सिंह जी खड़े हैं, सनी भैया खड़े हैं, बार एसोसिएशन खड़ी है और आहिस्ता सभी लोग मिलजुल कर इस पूरी मुहिम में एक साथ आएंगे। कारण एक ही है कि ये जो मुद्दा है हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे किसी एजेंडे पे कोई बात नहीं करते। जो हमारे भाई डिटेन नो रोड नो टोल, हमारे जो भाई डिटेन किए गए हैं उनको रिहाई चाहिए और वो भी लिखित में चाहिए, बिना वो धाराओं के जो धाराएं उन पे लगाई गई। मैं युवा राजपूत सभा को एक ऐलान करना चाहना सारे व्यापार मंडल कन्ने आसूड़ी अपील है, जो भी सारा पूरे टुगर समाज का साथ देन, ये जड़ी अपील है, ये सिर्फ सिर्फ जड़ी स्ट्राइक है, ये कोई युवा राजपूत सभा अपने भाई नहीं करा दी, सिर्फ अपनी गड्डियां नहीं निकलनियां जां अपना कारोबार नहीं चला दा, ये कारोबार हर किस्म का है, ये टोल जड़ा इलीगल है, इहदे ताईं बार एसोसिएशन दा बड़ा थैंकफुल करने जिहड़ी साडे नाल शाना बशाना खड़ी हुई है। अज असीं बार एसोसिएशन नूं भी गल करने कि तुसीं अपना कोड 1 दिन ताईं सस्पेंड करो, बार एसोसिएशन की करे उस तो बाद जो व्यापार मंडल है वो भी सारा सपोर्ट करे, उसे ताई भी अपना व्यापार बंद करे, उस ट्रांसपोर्ट जो
जरा ओ भी अपना बंद करे। इस मंच पर सारे इकट्ठे आना पौना। एक पार्टी विपक्ष की लड़ाई नहीं है, किसी हिस्से की लड़ाई नहीं है, एक पूरे डुगर समाज की वैदी है। किन्नी देर डुगर जरा दबा रहोग? पहली सरकार आई उन्हें भी दबाया, ये आए इन्हें भी दबाया, अजी गवर्नमेंट इसलिए करा दी की है सिर्फ टैक्स पर टैक्स। क्या टैक्स जम्मू च लगन गए, बाहर ही लगन गए? बस मैं इन्हें अपील करना चाहना कि साढ़े जिन्हें भी यूआर आए मेंबर जिहड़े इन्होंने पकड़े देने, उन्हें प्लीज रिहा करो, नहीं तो ये जो माहौल है और भी खराब हो। जय हिंद जय भारत।